कभी इनविटेशन में गए हो बहुत ज़्यादा बारिश में? अगर येस या नो मुझे कमेंट में बताइए। आज हो रही थी इतना बारिश, लास्ट 7 मई से शुरू हुआ है बारिश और इतना बारिश हो रहा है। एक तो बारिश का बहुत ज़रूरत था। कोलकाता में 42 डिग्री सेल्सियस गर्मी था, इस बार इतना गर्मी पड़ा हुआ था कि क्या बताए, हालत ख़राब हो चुका था। इसी गर्मी की वजह से बहुत सारे आदमी बीमार पड़ गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, स्ट्रीट में डॉग्स बीमार पड़ गए, स्ट्रोक हो गया, बहुत सारे डॉग्स ऑलमोस्ट डेथ हो गया ड्यू टू हिट स्ट्रोक। एंड इतना ख़राब गर्मी था कि घर बैठे बैठे ना पसीना दे रहा था। रूम के अंदर बिना एसी का आप रह नहीं सकते हो, बिना एसी का आप सोच ही नहीं सकते हो ज़िंदगी। इतना ख़तरनाक गर्मी बढ़ा हुआ था इस बार कोलकाता में। सो एनी हाउ थैंक्स टू गॉड फॉर दिस लवली रेन। बट यू नो, अगर आप शादी में जा रहे हो तो एक तो आपको ड्रेसअप करना पड़ता है, और शादी में जाने के टाइम अगर बहुत सारा बारिश हो जाए, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, तो पूरा मेकअप, बाल, सब चीज़ खराब हो जाता है। बाय द वे, दिस इज समर्पिता, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड आज मैं पहुंच चुकी हूँ अपना पीसी के शादी में। मेरा पापा का कजन सिस्टर है। एंड लिटरली इतना खूबसूरत था आज का शादी। एक तो इन्होंने अपना फ्लैट में ही शादी किया था, जैसे आलिया भट्ट स्टाइल में, जैसे आलिया भट्ट ने अपना फ्लैट में शादी किया था, वैसे ही पूरा अपार्टमेंट इनके पापा के और पापा का दोस्त लोग का है। तो उन्होंने सारा फ्लैट्स खोल दिया था, ओपन कर दिया था फॉर ऑल द गेस्ट टू कम इन। एंड नीचे तरफ पूरा बुफे लगा हुआ था, एंड स्टार्टर्स लगा हुआ था, ड्रिंक्स लगा हुआ था, एंड पूरा छत को शादी के लिए रेडी किया गया था, एंड फ्लैट्स को ओपन कर दिया था ताकि गेस्ट जाके बैठ पाए, एंड दुल्हन बैठ के थी अंदर में। तो इतना खूबसूरत तरीके से शादी किया, इतना खूबसूरत लग रहा था, ऊपर से आज का वेदर इतना खूबसूरत था कि क्या बताए। इतना सिंपल वे में, सिंपल से सिंपल वे में शादी किया है, पर इतना क्लासी एंड इतना ब्यूटीफुल लग रहा था आज का शादी। एंड आई हैव नेवर बीन टू अ शादी लाइक दिस, लाइक दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस कि एक फ्लैट के अंदर भी खूबसूरत तरीके से सजाया जा सकता है। ऊपर से छत में शादी हो रहा था, नीचे में बुफे एंड एवरीथिंग। मतलब मम्मी पापा का एनिवर्सरी का टाइम हम लोग अपना घर में ही किए थे, जो भी किया था ऊपर में छत पे पूरा खाने का जो बुफे है वो लगाए थे। बट ये थोड़ा यूनिक था, पर मुझे बहुत मज़ा आया, इतना अच्छा लग रहा था। ऊपर से इतना ब्रीजी वेदर, इतना क्लासी वेडिंग मैंने कभी नहीं देखा, एंड इट वॉज लाइक लवली, एंड शी लुक सो प्रिटी। देख लीजिए ब्राइड को, इतना प्रिटी लग रही थी, इतना क्यूट सा ब्राइड थी। एंड ऑफकोर्स वेडिंग तो खूबसूरत होना ही था। ऊपर से खाना इतना टेस्टी था, मैंने सीरियसली लाइफ में बहुत जगह खाया है, पर इतना क्रीमी बटरी रेशमी कबाब कहीं नहीं खाया। मतलब हैंगलथ एरियम से खाना था, तो हैंगलथ एरियम इज़ अ ब्रांड, खाने का रेस्टोरेंट है। इतना टेस्टी कबाब था, मतलब मुंह में डालते ही पूरा खाना ना लग रहा था मेल्ट हो जा रहा था, इतना टेस्टी खाना था, इतना अच्छा खाना था। पर मैंने एक गलती कर दिया, वो क्या था कि कभी भी शादी में जाओ और आम पन्ना मत पीना। सोडा के साथ जो आम पन्ना बना रहा था ना, उफ, पूरा आम पोड़ा का शरबत, उसके ऊपर आम पन्ना का सिरप, जलजीरा, सोडा डाल के इतना टेस्टी ड्रिंक फ्रॉम हैंगलथ एरियम। उनका खाने का पूरा कैटरिंग हैंगलथ एरियम ने किया है। इतना टेस्टी कबाब, उतना स्वादिष्ट ड्रिंक, एंड इतना टेस्टी मेन कोर्स, ओफ। पर मैं ना मेन कोर्स पूरा खा ही नहीं पाई, इतना मुझे एसिडिटी हो गया था। बट एनी वेज, वी आर गोइंग बैक होम, एंड बहुत खूबसूरत था आज का दिन। देखो मेरा मम्मी को देखो, वही पेड़ को तोड़ना एंड फिर वो लगाएगी अपना घर में। तो आसपास से जितना भी खूबसूरत खूबसूरत फूल का पेड़ था ना, सबका एक एक स्टिक लेके आई है ताकि फिर प्लांट करे और यहाँ पर भी ढेर सारा फूल हो घर में। सो एनी वेज, आज का ब्लॉग इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।